तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से घर बैठे ही अपने मोबाइल से LL मतलब लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस को जो है डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। और इसके लिए जो है कोई भी आपको ऑनलाइन स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने मोबाइल से जो है किस तरीके से आप करेंगे मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और एकदम जो है सही तरीका क्या है मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप भी अपने LL को मतलब लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस को घर बैठे ही अपने मोबाइल से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा कि ये आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को ध्यान से देखना, तभी जाकर आपको सब कुछ जो है समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना ताकि मेरी आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के गूगल पर या आप फोन के क्रोम ब्राउज़र को जो है दोस्तों ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको जो है कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहां पर क्या सर्च बार मिलता है, सर्च बार में आपको लिखना है परिवहन। परिवहन लिखकर आपको जो है सर्च कर देना है। यहाँ पर आपको जो है PARIVAHAN वाहन लिख कर आपको सर्च कर देना है। परिवहन लिख कर सर्च कर देने के बाद यहाँ पर आपको जो सबसे पहले जो वेबसाइट आएगा परिवहन सेवा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लाइसेंस रिलेटेड सर्विस का आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो है वीडियो का मेन प्रोसेस शुरू होता है। तो यहाँ से जो है वीडियो को आप ध्यान से देखना ताकि आपको जो है LL को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस पर आपको मोर वाला आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरीके से आपको जो है एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो है देखना है सबसे पहले आपको जो है सिलेक्ट स्टेट का जो ऑप्शन में आपको यहाँ पर आपका जो स्टेट है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी स्टेट है आपको यहाँ पर दे देना है। दे देने के बाद आपको जो है एक और पेज ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर लाइसेंस, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस और यहाँ पर आपको बहुत कुछ जो है ऑप्शन मिलता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, लाइसेंस मेनू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लाइसेंस मेनू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको जो है क्या करना है, क्लिक कर देने के बाद आपको जो है कुछ इस तरीके से बहुत सारे आपको जो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे और सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है लर्नर लाइसेंस का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे और एक ऑप्शन यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है सिंपल से प्रिंट लर्नर लाइसेंस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर बर्थ डेट, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आप जो है आपका जो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पर आपको दे देना है और यहाँ पर आपको जो है आपका डेट ऑफ बर्थ जो है आपको दे देना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर आपको दे देना है, उसके बाद आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ दे देना है। दे देने के बाद यहाँ पर आपको जो है सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर OTP सेंड या आप यहाँ पर देख सकते हैं OTP सेंड आप और आपका मोबाइल नंबर दिया गया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर OTP को जो है आपको कॉपी कर लेना है। OTP को कॉपी कर लेना है। कॉपी कर देने के बाद यहाँ पर एंटर OTP वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको बॉक्स में इस OTP को जो है फिल कर देना। फिल कर देने के बाद आपको फिर से सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर ओपन विथ देखिए ड्राइव PDF व्यूअर और यहाँ पर आपको जो है बहुत कुछ ओपन ऑप्शन मिलता है। तो आपको जो है क्या करना है, आप जिस भी वाले ऐप में आप ये देखना चाहते हैं तो ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपल से क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको जो कुछ इस तरीके से आपका जो लर्नर लाइसेंस है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लर्नर लाइसेंस आपका लिखा गया हुआ है और ये रहा आपका जो LL मतलब लर्नर लाइसेंस। यहाँ पर आपका जो है सब डिटेल्स दिया गया हुआ है। आपको जो है अगर इसको जो डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना है, सिंपल से इस 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो है डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्रिंट पर क्लिक करना पड़ेगा। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपका जो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट हो जाने के बाद आप जो है इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको जो है DL अप्लाई करना है। DL अप्लाई करने के बाद ही जो है आपको लर्नर लाइसेंस का जो है एग्ज़ाम देना पड़ता है, मतलब LL एग्ज़ाम देना पड़ता है। LL
एलएल एग्ज़ाम में अगर आप क्वालीफायर जो है कर देते हैं तो आपको जो है एलएल को जो है निकालना पड़ता है ऑनलाइन स्टोर से, आप ये फ़ोन से भी कर सकते हैं। और उस एलएल का जो एक्सपायरी डेट है वो 6 मंथ है। एलएल एग्ज़ाम के क्वालीफायर करने के बाद आपको जो है 1 या 2 महीने के बाद जो है आपको फिर से डीएल के लिए अप्लाई करना है, और उस एग्ज़ाम में अगर आप क्वालीफाई कर देते हैं तो आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो मिल जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप एलएल मतलब जो है लालन ड्राइविंग लाइसेंस को अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके लिए कोई भी आपको जो ऑनलाइन स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने मोबाइल से ये कर सकते हैं। मैं आपको बता दिया हूँ, आप इसी स्टेप को फॉलो कर ले तो भी जाकर आप जो है अपने मोबाइल से एलएल लाइसेंस को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस चलिए फिर से मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत सारा धन्यवाद।